गाइस, मेरा नाम है निशान सलीम और आप देख रहे हैं निशान बर्ड्स वर्ल्ड। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि अंडों की कुंडलिंग कैसे करते हैं। ये देखिए अंडे, ये पड़े हैं, मैं आपको एक एक बार में करके दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारी मुर्गी ने 8 अंडे उतारे हैं। ये हमने कप में पानी लिया है और कप में पानी में हम आपको अंडे डुबो के दिखाएंगे कौन से फर्टिलाइज होते हैं और कौन से नहीं होते, ये हम आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये अंडा है। मैं अंडों को निशान लगाता हूँ और तरीका ये देखें। अब ये अंडा जब नीचे बैठ जाएगा, ये अंडा नीचे बैठा हुआ है फुल, इसका मतलब ये अंडा फर्टिलाइज है। जो अंडा फुल नीचे नहीं बैठेगा वो फर्टिलाइज नहीं होता। मैं आप आगे भी आपको कर दिखाता हूँ, ये भी अंडा फर्टिलाइज है। शायद इनमें से कोई ख़राब हो, ये भी सही है। आप देख सकते हैं अंडे सारे नीचे बैठ रहे हैं। नीचे बैठने का वजन इनका इसलिए है क्योंकि ये फर्टिलाइज है। ये मैं आप जिस दिन मुर्गी ने पहला अंडा उतारा था, मैं वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। मैंने वीडियो बना के रखी है लेकिन मैंने अभी अपलोड नहीं की दोस्तों। वो वीडियो भी मैं जल्द आपके लिए लाऊंगा। ये लास्ट अंडा है हमारे पास, ये भी फर्टिलाइज है। ये लास्ट है, ये भी फर्टिलाइज है। हमारे पास जो भी अंडे उतरे हैं वो फर्टिलाइज किस लिए है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाऊंगा। फर्टिलाइज अंडों को फर्टिलाइज रखने के लिए भी एक तरीका होता है। जैसे मैंने ये टोपी रखी है वैसे एक डब्बा रखना पड़ता है। ऐसे डब्बे में इनको रखा जाता है, सही से ढांप कर रखा जाएगा, फिर ये फर्टिलाइज रहेंगे। वरना ये ज़्यादातर फर्टिलाइज नहीं रहते, ख़राब भी रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें से बच्चे भी नहीं बन पाते। मैं मसलन के तौर पर मैं आगे आपको सही तरह से तरीके से एक वीडियो बना कर अपलोड करूँगा, वो देख लीजिएगा। तो अभी के लिए शुक्रिया।